निराशा से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और कप्तान केन विलियमसन का गहरा नाता है। हर टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद अहम मौकों पर आकर हारना इस टीम की जैसे आदत बन चुकी है। अगर हम सिर्फ वनडे विश्व कप का ही उदाहरण लें तो विश्व कप 2015 का फाइनल, विश्व कप 2019 का फाइनल और अब विश्व कप 2023 का सेमीफाइनल ये टीम हार चुकी है, लेकिन इससे टीम और कप्तान केन विलियमसन की खेल भावना पर कोई असर नहीं पड़ता। भारत से सेमीफाइनल में हार के बावजूद कप्तान ने विश्व कप के फाइनल से पहले एक अहम बयान दे दिया है। विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने फाइनल से पहले एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की एक बेहतरीन टीम और फाइनल में उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होने वाला। इस बयान पर गौर करें तो विलियमसन के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप 2023 चैंपियन बनना तय मानी जा रही है। केन विलियमसन के लिए विश्व कप 2023 का सफर आसान नहीं रहा। आईपीएल 2023 के पहले मैच में इंजर्ड होने के बाद ये कहा जा रहा था कि वो विश्व कप का हिस्सा नहीं होंगे। बाद में खबर आई कि वो टीम से बतौर मेंटर जुड़ सकते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने कड़ी मेहनत की और बतौर कप्तान वापसी की। शुरुआती कुछ मैच में बाहर रहने के बाद जब वो प्लेइंग 11 में लौटे तो बांग्लादेश के खिलाफ इंजर्ड हो गए और फिर कई मैचों के लिए बाहर हो गए। इसके बाद फिर वापसी की और टीम को सेमीफाइनल तक ले आए। विलियमसन ने सिर्फ 4 मैच खेले और 3 अर्धशतक जड़ते हुए 256 रन बनाए। विश्व कप 2023 का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है। 20 साल बाद एक बार फिर ये दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने होंगी। 20 साल पहले जीत ऑस्ट्रेलिया को मिली थी, लेकिन इस बार टीम इंडिया की फॉर्म को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो चैंपियन बनने वाली है। केन विलियमसन का बयान भी इसी ओर इशारा कर रहा है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।